पश्चिम बंगाल, जिसकी संस्कृति, साहित्य, सामर्थ्य इस राज्य को विशेष पहचान दिलाते हैं। पश्चिम बंगाल जो है मोदी जी का परिवार। पश्चिम बंगाल की आकांक्षाएं, उम्मीदें और विश्वास हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर विकसित पश्चिम बंगाल से विकसित भारत का सपना साकार करना। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। विकसित होगा पश्चिम बंगाल, ये है मोदी सरकार की गारंटी। तभी तो बीते 10 वर्षों में राज्य के विकास के लिए मोदी सरकार ने किए हैं अथक प्रयास। उसी श्रृंखला में मोदी सरकार द्वारा आज करीब 4,500 करोड़ रुपए लागत की रेल एवं रोड से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी जा रही है पश्चिम बंगाल के परिवारजनों को सौगात। इन लोकार्पण किए जाने वाली परियोजनाओं में शामिल है जलपाईगुड़ी में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सहित अंबारी फाला काटा अलुआबारी स्वचालित लॉक सिग्नल, बारसोई राधिकापुर रेल खंड का विद्युतीकरण, एकलाखी बालुरघाट रेल खंड का विद्युतीकरण, रानीनगर जलपाईगुड़ी हल्दीबारी का विद्युतीकरण कार्य, बागडोगरा के रास्ते सिलीगुड़ी अलुआबारी रेल खंड का विद्युतीकरण, सिलीगुड़ी सेवक अलीपुर द्वार जंक्शन समुक्तला अलीपुर द्वार जंक्शन न्यू कूच बिहार सहित रेल खंड का विद्युतीकरण, मणिग्राम निम्पीता रेलवे लाइन का दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण, नया NH27 के घोसपुकुर धूपगुड़ी खंड के 4 लेन का उद्घाटन एवं NH31 नया NH27 के 4 लेन इस्लामपुर बाईपास के निर्माण का शुभारंभ। इसके साथ ही सिलीगुड़ी और राधिकापुर के बीच ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ, जिससे खुलेंगे पश्चिम बंगाल की समृद्धि के द्वार। साथ ही पश्चिम बंगाल को विकास के पथ पर अग्रसर कर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का मार्ग होगा प्रशस्त।